तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले एक बहुत ही सस्ता, सुंदर और साथ ही साथ टिकाऊ बैकग्राउंड जो आप यूज कर सकते हो अपनी YouTube वीडियोस के लिए, मतलब बेस्ट बजट बैकग्राउंड फॉर YouTube वीडियोस। अगर आपका बजट बहुत कम है, आप YouTube चैनल अभी स्टार्ट किया है, स्टार्ट करने वाले हो, ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो पैसे, तो बैकग्राउंड में सबसे कम पैसों में आपको क्या मिल सकता है वो आपको इस वीडियो में पता लगने वाला, और साथ ही साथ प्रोफेशनल बैकग्राउंड होने वाला है बिल्कुल। मैंने भी इस बैकग्राउंड को यूज किया है अराउंड 3 months तक, और साथ ही साथ मैंने 50,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस किए इसी बैकग्राउंड के साथ, और 30+ वीडियोस भी बनाई, तो आप भी यूज कर सकते हो, आप भी एक यूट्यूब जर्नी अपनी स्टार्ट कर सकते हो इस बैकग्राउंड के साथ। तो वीडियो एंड तक जरूर देखते रहना, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को यहां से। तो काफी लोग पूछते हैं जो मेरा करंट बैकग्राउंड है ये रियल है या ये रियल नहीं है, तो मैं पहले बता दूं ये रियल बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में मेरे वॉल है। इस बैकग्राउंड को कभी और कवर करेंगे, अभी के लिए जो मैं पहले यूज करता था बैकग्राउंड ग्रीन स्क्रीन यूज करता था उसको कवर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ग्रीन स्क्रीन होती क्या है, फिर बात करेंगे ग्रीन स्क्रीन के बेनिफिट्स क्या है, फिर बात करेंगे ग्रीन स्क्रीन को कैसे यूज किया जाता है, कैसे वीडियो रिकॉर्ड करनी है ग्रीन स्क्रीन के साथ, फिर बात करेंगे ग्रीन स्क्रीन को कैसे एडिटिंग में रिमूव किया जाता है, कैसे बैकग्राउंड चेंज किया जाता है एडिटिंग में। फिफ्थ चीज के ऊपर बात करेंगे, बोनस में मैं आप लोगों को कुछ बैकग्राउंड देने वाला हूं जो मैंने यूज किए, ग्रे बैकग्राउंड और काफी सारे बैकग्राउंड देने वाला हूं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन स्क्रीन है क्या। ग्रीन स्क्रीन एक कपड़ा है, एक पर्दा है जिसको आपको अपने बैकग्राउंड में लगाना पड़ता है, और उसके आगे आपको अपनी वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती है। ग्रीन स्क्रीन बहुत ज्यादा चीप है, सुनने में लगता है कुछ बड़ा होगा, लेकिन एक सिंपल एक पर्दा है जो मूवीज में भी यूज होता है, खासकर इफेक्ट्स के लिए। अगर मैं दिखाऊं ये कुछ ऐसा है और बहुत ही ज्यादा लंबा होता है, तो ये पर्दा है सिंपल सा ग्रीन पर्दा, जिसको आप यूज करोगे अपने बैकग्राउंड में, उसके बाद एडिटिंग के टाइम पे अपने बैकग्राउंड रिमूव कर दोगे किसी वीडियो या किसी फोटो के साथ। अब दूसरी चीज आती है ग्रीन स्क्रीन के बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहला फायदा है, दो फायदे हैं। सबसे पहला फायदा आता है कि ये सिर्फ एक कपड़ा है, मतलब आप इसको कहीं पर भी ले जा सकते हो, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो इसको फोल्ड कर साथ में ले जा सकते हो, और उसके बाद अपना सेटअप अपने साथ रख सकते हो, मतलब आपका सेटअप आपके साथ जाएगा, जहां आप ट्रैवल करना चाहते हो वहां जाओ और साथ ही साथ अपना सेटअप भी ले जाओ बैकग्राउंड। अब दूसरा फायदा क्या आता है, आप अपना बैकग्राउंड कुछ भी रख सकते हो, चाहे तो आप प्लेन बैकग्राउंड रखो या कुछ भी रखो, चाहे जो बैकग्राउंड चेंज करना है वो बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो ग्रीन स्क्रीन के साथ। तो ये इसका बहुत ज्यादा बड़ा बेनिफिट है, दो बेनिफिट है, लेकिन एक चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो इंपॉर्टेंट है। जब आप ग्रीन स्क्रीन यूज करते हो तो साथ ही साथ लाइटिंग होती है जो बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब ऐसी होनी चाहिए कि ओवरऑल लाइट पड़नी चाहिए आपकी ग्रीन स्क्रीन पर, आप पर, और साथ ही साथ आपकी शेडो आपकी ग्रीन स्क्रीन पर नहीं जानी चाहिए, जाएगी तो प्रॉब्लम आती है एडिटिंग के टाइम, रिमूव करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। अभी हम आएंगे एडिटिंग के ऊपर कैसे रिमूव करा जाता है, अब आते हैं सेटअप कैसे करा जाता है। सबसे पहले ग्रीन स्क्रीन को अब आपको यूज कैसे करनी है, अपने सेटअप में लगानी कैसे, रिकॉर्ड कैसे करना है, मेन चीज आती है। सबसे पहले लगाना कैसे, अगर मैं यहाँ पे अपने रूम का बताऊँ तो यहाँ पे मेरे रूम में सेटअप की वो स्लिप है, तो इसमें मैंने ऊपर होल्ड कर रखी है, ऊपर बुक्स लगा रखी है, तो इसे अटक रखी है ग्रीन स्क्रीन। दूसरी चीज आती है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो रस्सी लगा सकते हो, ग्रीन स्क्रीन एक पर्दे की तरह है तो लगा के कुछ ना कुछ जुगाड़ बैठा के लगा सकते हो। तीसरी चीज आती है, अगर ऐसा कुछ नहीं कर सकते तो इसके लिए एक अलग से स्टैंड भी आता है जिसको आप परचेज कर सकते हो अमेजोन से, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस पर ग्रीन स्क्रीन लगा सकते हो और स्टैंड पे फिर सही रहता है, तो उस पर लगा सकते हो, और साथ ही साथ इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, दोनों का लिंक मिल जाएगा। अगर आपका बजट है तो स्टैंड भी परचेस कर लो, नहीं है तो सिर्फ इससे काम चला सकते हो। अब हो गया सेटअप का कैसे लगानी है, अब बात करते हैं लाइट के बारे में, क्योंकि लाइटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रीन स्क्रीन, जब आप यूज करते हो तो लाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर मैं इंडोर की बात करूं, सबसे पहले अगर आप अंदर शूट करते हो, घर के अंदर शूट करते हो, तब कुछ आपको ऐसे टाइप की लाइट चाहिए, मतलब जरूरी नहीं है यही लाइट हो, लेकिन कुछ ऐसा सेटअप बिठाना है, एक लाइट आपके लेफ्ट में होनी चाहिए और एक लाइट आपके राइट में होनी चाहिए। मेरे लिए कोई राइट में लाइट नहीं है तो यहाँ पर थोड़ा राइट ऊपर की तरफ मैंने लाइट लगा रखी है, और साथ में सेंटर में आपका ट्रैपॉड, मतलब आपका कैमरा, आपका स्मार्टफोन होना चाहिए जो मेरा है। तो यह है कुछ इंडोर का, ये मेनली इसलिए ताकि थोड़ा शेडो ना आए आपके, और थोड़ा डिस्टेंस भी रखनी है आपको अपनी ग्रीन स्क्रीन से ताकि शेडो ना आए, क्योंकि फिर प्रॉब्लम होती है बाद में एडिटिंग के टाइम। अब दूसरी, अगर आप आउटडोर में शूट करते हो तब काम बहुत ज्यादा ईजी जाता है, आउटडोर में अगर आप नेचुरल लाइट में शूट करते हो तब शेडो का इतना इशू नहीं आता, लाइट थोड़ी ठीक रहती, तब लेफ्ट राइट ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ती इतनी। तो अगर आपके पास लाइट है अच्छी तो इंडोर में शूट कर सकते हो, अगर आपके पास नहीं है तो आउटडोर में भी शूट कर सकते हो ग्रीन स्क्रीन। इंडोर में आप बल्ब भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं आपके पास अच्छी लाइट होनी चाहिए, बल्ब यूज कर सकते हो नॉर्मली, या फिर रूम की जो ट्यूबलाइट होती है उनको भी यूज कर सकते हो ग्रीन स्क्रीन। अब बात करते हैं ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कैसे करना है आपको एडिटिंग में, मैं कैसे रिमूव करता हूँ, मेरी प्रोसेस क्या है वो बताने वाला हूँ। अगर आपको फोन से रिमूव करना है, मैं मोबाइल फोन से नहीं करता हूँ, अगर आप मोबाइल फोन से जाने, मोबाइल फोन से कैसे रिमूव करा जाता है, चेंज करा जाता है बैकग्राउंड, कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हो, मैं उसके लिए भी अलग से डेडिकेटेड वीडियो ले आऊंगा। इस वीडियो में हम अपने कंप्यूटर से रिमूव करने वाले, तो बढ़ते हैं कंप्यूटर की तरफ। अब मैं अपनी पूरी वीडियो एडिटिंग करता हूँ प्रीमियर प्रो पर, और बैकग्राउंड रिमूव करने की जब मुझे जरूरत होती है तो वो भी प्रीमियर प्रो के थ्रू ही कर लेता हूँ।
अब नेक्स्ट चीज क्या आती है, मैंने अपने ऑलरेडी ऑडियो और वीडियो इंपोर्ट कर लिए प्रीमियर प्रो के अंदर और टाइमलाइन के अंदर रखी है। अब हमको इसके ऊपर वीडियो के ऊपर एक इफेक्ट लगाना है, जिसको हम इफेक्ट्स के अंदर जाके सर्च करेंगे क्रोमा की नाम से, क्रोमा की, इसको उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप हमारी वीडियो के अंदर। अब नेक्स्ट चीज क्या आती है, इस पर क्लिक करा, इफेक्ट एंड कंट्रोल्स के अंदर गए, इफेक्ट कंट्रोल्स के अंदर नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर पिकर टूल है, इसको दबाया, इस पर क्लिक किया और उसके बाद बैकग्राउंड पर क्लिक कर दिया जो हमारा ग्रीन बैकग्राउंड है। इसके बाद अगर सही से बैकग्राउंड रिमूव नहीं हुआ है, कैसे देख सकते हैं, सबसे पहले आउटपुट का यहाँ पे दिख रहा है, इसके अंदर हमें अल्फा चैनल पे कर देना है। अब देख सकते हैं यहाँ पे वाइट दिख रहा है बैकग्राउंड में, तो उसको हमें ब्लैक करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे कुछ चेंजेस कर सकते हैं, इसको 100 कर दिया और उसके बाद कॉन्ट्रास्ट को भी इंक्रीज कर दिया, मिड पॉइंट को भी इंक्रीज कर दिया। ओके, तो अब काफी हद तक हो चुका है सही, अब वापस ठीक कर दिया। अब हमारा बैकग्राउंड पूरा गायब हो चुका है, ब्लैक हो चुका है, डार्क हो चुका है। अब हमें इसके नीचे एक दूसरा बैकग्राउंड रखना है, जो हमें यूज करना है वही बैकग्राउंड हमें इसके नीचे रखना है, इस लेयर के नीचे, इसको ऊपर कर देना है। अब मैंने बैकग्राउंड उठा देता हूँ यहाँ से, सेकंड वाला, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप। अब देख सकते हो आप, तो बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर इस बैकग्राउंड की वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और अगर फोन से कैसे रिमूव करना है बैकग्राउंड वो भी चाहिए तो बता सकते हो, जो भी रिक्वेस्ट हो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर लेके आऊंगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।